नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 44 हल करेंगे। तो इस कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, भार की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम भार की जो इकाइयां होती है किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल आदि के बारे में जो अंतर संबंध है उसको समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है इसने, मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ इकाइयां दे रखी हैं, उनका आपस में मिलान करना है। तो पहला इसने मिलान करके बताया है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का मिलान किया इसने 2000 ग्राम से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो दूसरा यहाँ दिया इसने 7000 ग्राम। तो 7000 ग्राम में हम 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 7 किलोग्राम। उसी प्रकार 2350 ग्राम, इसको जब हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 किलोग्राम 350 ग्राम। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए। इसमें भी हमें रिक्त स्थान दे रखे है, उसमें इकाइयां परिवर्तित करके लिखनी है। तो यहाँ पर इसने एक कोर्स दिया है, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। यानी कोई इकाई हमें किलोग्राम में दे रखी है और उसको हमें ग्राम में बदलना है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। पहला है 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर लेंगे 4 को, तो ये आ जाएंगे 4000 ग्राम। उसी प्रकार दूसरे में 6 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे और ये आ जाएंगे 6000 ग्राम। तीसरा है 3000 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है तो इसमें हमें 1000 का भाग देना है तो ये आ जाएंगे 3 किलोग्राम। चौथे में 4000 ग्राम है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे और भाग फलाएगा 4, तो 4 किलोग्राम इसका। पांचवा 26 किलोग्राम 14 ग्राम, इसको जब हम लिखेंगे तो ग्राम में तो 26014 ये इसका ग्राम में हो जाएगा। छठे में 6125 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 6.125 किलोग्राम। सातवां 3 किलोग्राम, इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3000 ग्राम। अब यहाँ प्रश्न दिया है, क्विंटल इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। आठवां 3250 ग्राम को केजी में बदलना है तो 3.250 केजी। उसी प्रकार नौवे में 2 क्विंटल, 2 क्विंटल को हम बदलेंगे किलोग्राम में तो 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएंगे 200। उसी प्रकार दसवां 500 किलोग्राम को हम क्विंटल में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे, ये आ जाएंगे 5 क्विंटल। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्य पत्रक 44 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।